अरे मीनल, पता नहीं विभू को क्या हो गया। हाँ, कल रात को बहुत प्यार जता रहा था, कह रहा था कि मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, मैं तो तुम्हें कहीं घुमाने नहीं ले जाता, कितने दिन हो गए तुम्हें खाना खिलाने बाहर नहीं ले गया। हाँ, बस निकल रहे हैं हम लोग, पहले लंच करेंगे और फिर उसके बाद फिल्म देखने जाएंगे। लो, विभू की बात कर रहे थे, विभू आ गया, चलो तुझसे बाद में बात करती हूँ, ओके बाय। अरे वो कहाँ चले गए थे, मैं कब से तैयार होके बैठी हूँ, चलो अब जल्दी देर हो जाएगी। कहाँ जा रही हो इतना बंठन के? बंठन? अरे क्या बोल रहे हो, तुम नहीं चल रहे हो क्या? मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो कहीं नहीं जा रहा। वो कैसी बातें कर रहे हो, कल रात में तुमने मुझसे कहा था ना कि हम पहले लंच करने जाएंगे उसके बाद फिर फिल्म देखेंगे। अनु, ये रेस्टोरेंट में खाना खाना, ये सिनेमा देखना, ये सब मानसिक विकार है। विकार से परे हमें एक साधारण जीवन व्यतीत करना चाहिए। और भगवान ने हमें पेट इसलिए नहीं दिया कि हम उसमें मसालेदार और वो तिल वाले खाने, विकार पैदा करने वाले खाने डालें। ये सब ऐसे ऐसे भोजन से क्या है कि हमारे अंदर विकार पैदा होता है। शट अप, क्या विकार विकार लगा रखा है, और ये तुम ज्ञान क्यों बांट रहे हो? ये विकार ही है जो तुम्हारे अंदर गुस्सा बन के फूट रहा है। मार दो इस विकार को। तुम ऐसी बातें करो ना, मन करा तुम्हें मार दूं। तुम नहीं, तुम्हारा विकार बोल रहा है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अनु, दिमाग तो तुम्हारा खराब कर दिया है इस विकार ने। खत्म कर दो इस विकार को और छोड़ दो ये मोह माया, भगवान से ध्यान लगाओ। मैं तुम्हें डंडे ना लगाऊं? डंडे लगाने ही हैं तो अपने विकार को लगाओ। सुन साई भसुन, प्यार की धुन, हमने तुमको चुन लिया, तू भी हमको चुन चुन चुन। भाभी जी, हमें तो चुनने का मौका ही नहीं मिला, हमसे पहले आके एक वाहियात आदमी आपको चुन भी गया और चुप भी गया। अका बोले, भाभी जी कैसी हैं आप? हाउ यू? हम एकदम ठीक बा, आप कैसे हैं बा भरभूति जी? भाभी जी, ये दुनिया बड़ी मिथ्या सी लग रही है। आपको ये दुनिया मीठा काहे लग रही है? भाभी जी, इट्स नॉट मीठा, मिथ्या, झूठी। सही पकड़े है, तो आपको झूठी काहे लग रही है ये दुनिया? भाभी जी, इस दुनिया में इतनी नफरत है जिससे मेरे मन में विकार पैदा होता है और मैं इस विकार को खत्म कर देना चाहता हूँ। ये विकार कहाँ होता है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। विकार भाभी जी मन का मैल होता है। आप ठीक से नहाते नहीं है का? भाभी जी, मुझे आपसे इस तरह के बौड़मपने के सवाल की पूरी उम्मीद थी। भाई एक बात बांधनी पड़ेगी, बड़ी कंसिस्टेंट है आप अपने बौड़मपने में, यू नो, जैसी गई थी वैसी ही लौटी हैं, एकदम बौड़म गई थी, बौड़मी लौटी। बस भाभी जी, यही तो आपका चार्म है, इसी का हमें नशा है। क्या बोले भाभी जी? एक्चुअली ये मेल अपना ये नहाने से नहीं जाएगा। तो फिर कैसे जाता है? अब एक्चुअली वो यहाँ पे बताना मुनासिब ना होगा। भरभूती जी, हम तो भूल ही गए, हम ना गांव के देसी घी का गर्मा गर्म हलवा बनाए हैं आपके लिए। आइए गर्मा गर्म हलवा खाइए, लीजिए। अरे इसे हटाइए, आप खुद हलवा हैं। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी, एक्चुअली आजकल मैंने तेल घी मसाले खाना बंद कर दिया है, क्योंकि इस तरह के भोजन से मन में विकार पैदा होता है और मैं विकार खत्म कर देना चाहता हूँ। आई हलवा खाइए भरभूति जी, इससे जो आपका बुखार है ना वो भाग जाएगा। अभी जी, इट्स नॉट बुखार, इट्स विकार, विकार। सही पकड़े है, लीजिए खाइए खाइए। आप इतनी जबरदस्ती कर रही हैं, आप तो मैं आपका दिल। क्या है, किस भिखारी को खिला रही हो पगली? ओह अच्छा, भिखारी नहीं तो भभूति जी है। देखिए ना लड्डू के भैया, हम भरभूति जी से कह रहे हैं कि गांव के देसी घी का गर्मा गर्म हलवा है, खाइए ना ही खा रहे हैं। अरे जब नहीं खा रहे तो काहे इनके मुंह में खाम खामे ठूस रही हो, लाओ हमें तो हम खाएंगे। देखिए मेरा मानना ये है कि आपको भी नहीं खाना चाहिए ये हलवा, इस तरह के भोजन से मन में विकार पैदा होता है। अरे जाइए, हमारे मन में कोई विकार विकार नहीं है। ये भी एक प्रकार का विकार है। दुनिया विकार है, फिलहाल में डकार आ रही है। नमस्ते। नमस्ते विकार जी, हमारा मतलब है भरभूति जी। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। लीजिए ना, और लीजिए।
जरमल खान यार, बहुत दिन है कुछ बढ़िया सा आइटम ना देखो यार। यार टीका मोए तो लगता है कि कानपुर में ना खूबसूरत लोंडियों का अकाल पड़ गया है यार। जरमल खान ऐसे बात ना है, कानपुर में अभी भी बढ़िया बढ़िया माल भरे पड़े हैं, बढ़िया बढ़िया कटपीस भरे पड़े हैं। हाँ वो तो कहा कि हम जैसे छिछोरे लंदन की वजह से ना वो घर से बाहर ना निकलती। ताजी हरी सब्जी ले लो, बड़े सस्ते में मिलते, क्या खूब नरम नाजुक है कानपुर की सब्जी। ओए ताजी हरी नरम सब्जी इतको आई हो? क्या हुआ लौंडे? अटिड्डा मैं नू बता, तू पूरे कानपुर में सब्जी बेचतो है ना? हाँ तो को पता है वो कि कानपुर में बढ़िया कट पीस कहाँ मिलेंगे? कौन से पीस की बात कर रहे हो भैया? पागल आदमी, हम लोंडियान की बात कर रहे हैं। अरे मैं सब्जियां बेचता हूँ समझे, तुम लोगों की तरह लोंडियां नहीं ताड़ता हूँ समझे। बड़ो साधु बन रहे है, खुद की लुगाई को छोड़ के वो सामने वाली भाभी को है उनके साथ नैन मटक को करते पड़ते हो। अरे तो नैन मटक का करता हूँ मैं, तुम्हारी काय खुजली मच रही है। मुझे एक बात बता, फिर शादी क्यों करी तूने? बीवी को धोखा क्यों दे रहे हो? अब भाभी के भी दिल में कुछ अरमान है रहे। तो तुम्हें हमारी बीवी की बड़ी फिक्र हो रही है, भाई लगते हो क्या उसके? भाई बोल रहा थी भाई, तो क्या मतलब ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? जरा से बात एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। बैठो बैठो, चलो बैठो बैठो बैठो। भैया हमारी बीवी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। कुछ मत कहो, एकदम चुप। बड़ो उधर छोटी सी बात पे तुम दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं? ये और कुछ ही तुम्हारे अंदर का विकार है। लो यहां भी इनका विकार शुरू हो गया। टीका जे विकार का हो तो है। देख मलकान, जैसे बेकार रहते है ना वैसे ही विकार रहते है। विकार तुम्हारे अंदर की मैल है, तुम्हारे अंदर की गंदगी है जो अध्यात्म के साबुन से साफ हो सकती है। भैया जो आध्यात्म को जो साबुन है वो कहां मिलेगा? ये कोई नया ब्रांड आया है। अब भैया ये जो आध्यात्म को अंदर जो बता रहे हो आप, जो मैल जो साफ करने के जो आध्यात्म को साबुन है ना, ये हमको खाना पड़ेगा? ये तुम बेवकूफाना छिछोरी सेंसेस बातें करते हो ना, ये और कुछ नहीं है, ये तुम्हारे अंदर का विकार है। विकार? अभी पहले तो आप हमें और अंगूरी को एक विकार की वजह से पका कर आ रहे हैं और अभी लौंडों को पका रहे हैं। तिवारी जी ये आप नहीं, आपके अंदर का विकार बोल रहा है। घुइया विकार बोल रहा है, ये भी तो विकार बोल रहा है। तिवारी जी खत्म कीजिए इस विकार को अपने अंदर से, ये अपने विकार की बत्ती बनाइए और कान खुजाइए। तिवारी जी ये भी आपके अंदर का विकार बोल रहा है, अपने इस अंदर के विकार को खत्म कीजिए, भगवान से कनेक्ट कीजिए, कल्याण होगा। कॉल इज ग्रेट। तिवारी भैया ये विकार हो तो का है? घुइया की जड़ होता है। ये आपके अंदर का विकार बोल रहा है। भैया जी विकार आपके पीछे पीछे आ रहा है। अबे तेरी। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? आइए आइए बाबा जी। भाभी जी प्लीज, बाबा जी ना बोलिए मुझे, तो कम से कम आप भरभूति जी बोलिए। अका है अब तो आप बाबा जी बन गए हैं ना, तो हम आपको भरभूति बाबा ही बोलेंगे। आप जो चाहिए बोल लीजिए, लेकिन जिस चीज के लिए बाबा जी बने हैं वो सुख तो दीजिए। क्या बोले? मैंने कहा वो आपके जो गांव की परंपरा है कि जब कोई तप करने जाता है लोग सब उसे गले लगाते हैं, तो अब टाइम आ गया है, मैं तप करने जा रहा हूँ, गले लगा लीजिए मुझे। हाँ हाँ भरभूति जी हम आपको गले लगाएंगे, लेकिन उसके पहले हम आपके लिए नाचेंगे भी। क्या बात कर रही भाभी जी, ये तो सोने पे सुहागा, इट्स लाइक आइसिंग ऑन द केक। वाओ शुरू करें? बिल्कुल भाभी जी, आई एम ऑल गेम। गिव इट टू मी बेबी।
विपो, 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 क्या हुआ? What happened? मेरे प्यार में कोई कमी रह गई? नहीं तो? मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाती? कैसी बात कर रही है? तुम्हारा तो बल्कि आउटपुट ज्यादा है। तो फिर ये तकिए को क्यों गले लगा रहे हो? बाहों में भरना ही है तो मुझे भरो, कोई फीलिंग तो आएगी। तकिए को बाहों में भर के क्या फीलिंग आएगी तुम्हें? ये तकिया नहीं है। तकिया नहीं है तो फिर क्या है? ये अध्यात्म है। अध्यात्म? एक्चुअली अनु मैं एक ख्वाब देख रहा था। लो फिर से इनके ख्वाब चालू हो गए। क्या देखा ख्वाब में? एक्चुअली मैं ख्वाब में देख रहा था कि मैं एक बहुत ही खतरनाक दलदल में फंसा हुआ हूँ। उसे चिल्ला रहा हूँ, चीख रहा हूँ, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई नहीं आता। अचानक गुरुजी मेरे जो है ना गुरु गदगदा आनंद जी, वो प्रकट होते हैं। मैं उनको हाथ देता हूँ, सर हे बारी, पुल मी आउट, पुल मी आउट। एंड मैं उनसे पूछता हूँ, हे गुरुजी ये कैसा दलदल आए? आगे क्या बोलते हैं आपके गुरुजी? वेल उन्होंने कहा, बच्चे तू जिस दलदल में फंसा हुआ है ना, वो सांसारिक दलदल है, जो मोह माया छल कपट वासना के कीचड़ से भरा हुआ है। और मैंने कहा, मुझे निकालिए दलदल से, इस पुल में आउट फ्रॉम इट, गुरुजी कम ऑन, मुझे बाहर निकालो। तो वो मेरी तरफ एक तकिया फेंक देते हैं ऐसे। तुम दलदल में फंसे हुए हो और तुम्हारे गुरुजी तुम्हें बाहर निकालने के बजाय तुम्हारी तरफ एक तकिया फेंक देते हैं। That's right. How helpful. तुम समझी नहीं, वो तकिया नहीं था, वो अध्यात्म का तकिया था, अध्यात्म का। और उन्होंने कहा मुझसे, बच्चे भीच ले, ये पार लगाएगा तेरे को दलदल से, यही तकिया, मैं इसलिए भीच के सो रहा हूं। कितना वाहियात ख्वाब देखा तुमने, रबिश। ये वाहियात ख्वाब हकीकत बनने जा रहा है भाई तुम्हें। Nature is calling me. Uff, तो nature is calling you, तो जाओ ना बाथरूम जाओ। अरे, not a bathroom. I'm getting a call from jungle. तुम जंगल में जाकर चड्डी पहनकर फूल खिलाओगे? मैं चड्डी पहन के फूल नहीं खिलाऊंगा, मैं जंगल जाकर तप करूंगा। वाह 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 वाह, आप जंगल जाकर तप करेंगे और मैं यहाँ बैठकर गुइयां छीलूंगी। तुम गुइयां छीलो, टमाटर छीलो या हरा धनिया छीलो, I don't give a damn. ये तुम्हारी समस्या है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। संसारिक मोह छोड़ दिया है और मैं संन्यास दे रहा हूं। This is final. ये मेरा फैसला है। अरे हेलो, ऐसे कैसे फैसला है तुम्हारा? ऐसे कैसे तुम फैसला ले सकते हो? शादी की है तुमने मुझसे, बीवी हूं मैं तुम्हारी। तुम जाओगे जंगल तो मैं भी पीछे पीछे आऊंगी। Excuse me. ये कोई रोमांस इन जंगल नहीं है, जंगल लव नहीं है कि आप झरने के नीचे नहा रही हैं और मैं पैरों से कुत्ता फेर रहा हूं चड्डी पहन के। वैसे दैट्स अ वेरी गुड आईडिया, यू लाइक अ टार्ज़न। करवट लो और सो जाओ, मैं संन्यास लेने वाला हूं। ओह सॉरी। गुरुजी पकड़ लिया। भाभी जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भरभूति जी, आइए आइए। भाभी जी हम तो कब से आपके यौवन रूपी सत्संग में बैठे कीर्तन कर रहे हैं। क्या बोले आप, कीर्तन कर रहे हैं? हाँ भाभी जी, अपने कामनाओं के जंगल में आपके अनुराग की धुनी रमाए हम कब से कीर्तन कर रहे हैं भाभी जी। बस अभी तक हमें प्रेम रूपी प्रसाद नहीं मिला। भरभूति जी हम आपको प्रसाद कैसे देंगे, अभी तक हम भोग ना ही लगाए हैं। हाँ कोई कमबख्त लगा गया ना भोग वो। नहीं नहीं अभी तक भोग ना ही लगा है। भोग नहीं लगा है? नहीं हम तो भोग लगाने जा ही रहे थे कि आप आ गए। अभी जी
भोग लग चुका है। अरे ना ही मरुभूति जी, हम कह रहे हैं ना कि अभी हम भोग ना ही लगाए हैं। आप रुकिए, अभी हम भगवान को भोग लगा कर आते हैं और फिर आपको भोग देते हैं। भाभी जी, मैं भौतिक भोग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आध्यात्मिक भोग की बात कर रहा हूँ। हाय दया, ये कौन सा भोग होता है? भाभी जी, ये वो भोग है जिसको प्राप्त करने के बाद आत्मा तृप्त हो जाती है, इंसान का कल्याण हो जाता है, इंसान रिलीव्ड हो जाता है, आई मीन इन लूज टर्म्स आदमी सेट हो जाता है। अब अरबुति जी, ई भोग के बारे में तो हम कभी ना ही सुने। भाभी जी, नहीं सुना तो सुन लीजिए। मैं इस तरह की बातें बड़ी एंजॉय करता हूँ, आई रियली रियली एंजॉय सच टॉक्स। इस भोग में क्या है कि सिर्फ प्रेम है, इसमें प्रेमी अपने क्रो प्रेमी का जो छवि है अपने मन मंदिर में बसा लेता है और अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर देता है। इट्स कॉल्ड कंप्लीट बॉन्डेज, नहीं मतलब सरेंडर। ओ प्रेम, वो जो हम लड्डू के भैया से करते हैं। हाँ, तभी तो भोग गया। नहीं नहीं, लड्डू के भैया अभी भोग ना ही लगाए, वो तो अभी नहा रहे हैं। नहाते नहाते नाली में बह क्यों नहीं जाते? बस भाभी जी, इनफ इज इनफ, कांट टेक नो मोर। किस्मत देखिए, बेचारा कच्चे बनियान और भोग लगा रहे हैं। इसे भोगिया नाम रोगी। डैम। अरे भरभूति जी, का बोलते हैं, हमरे तो कछु ना ही समझ आता है। भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी, आइए आइए बैठिए। क्या हुआ भाभी जी, आपके चंद्रमा समान मुखारविंद पर ये उदासी की पतलियां क्यों छाई हुई हैं? क्या बताऊं तिवारी जी, मैं बड़ी उलझन में फंस गई हूँ। किस उलझन में फंस गई है भाभी जी? अरे क्या बताऊं तिवारी जी, बेबू को पता नहीं क्या एक अजीब सी सनक सवार हो गई है। उसने अचानक क्या भाभी जी? छोड़ी छोड़ी तिवारी जी, मुझे तो आपके सामने ये बात बोलने में भी अजीब लग रहा है। भाभी जी बताइए ना, आखिर हुआ क्या है? तिवारी जी, पता नहीं विभू को अचानक ये क्या सनक सवार हो गई है, वो सन्यास लेना चाहता है। भभूति जी सन्यास ले रहे हैं? पर आपको इतनी खुशी क्यों हो रही है? नहीं नहीं भाभी जी, हमें हमें खुशी नहीं हो रही है, बल्कि हमें तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि भभूति जी की कितनी बड़ी सोच है भाभी जी की, वो सन्यास ले रहे हैं। बताइए जी, क्या बात कर रहे हैं आप? अरे हम ठीक ही कह रहे हैं भाभी जी, बल्कि इतना बड़ा कदम कोई ऐरा गैरा नत्थू खैरा तो उठाएगा नहीं, बल्कि इतना बड़ा कदम उठाने के लिए तो प्रभु की असीम कृपा चाहिए। अरे तिवारी जी, वो सब ठीक है, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि भरी जवानी में मेरा अकेले क्या होगा? अरे भाभी जी, आप अपनी चिंता क्यों कर रही हैं, आपके लिए हम है ना। मतलब हम और अंगूरी हैं आपको कंपनी देने के लिए। तिवारी जी, आप पड़ोसी हैं मेरे, पति नहीं। आप अगर चाहे तो पास से पड़ोसी को पास से पति समझ सकती हैं। तिवारी जी, फिर से आपके होठ ऐसे 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 फड़फड़ा रहे हैं, जोर से बोलिए। भाभी जी, हमारे कहने का मतलब ये है कि देखिए, अब भभूति जी ने तो संन्यास ले लिया है, मतलब अब उनका आपसे कोई रिश्ता रहा नहीं, उन्होंने खुद ही अपने हाथों से आपका अदृश्य सिंदूर पोंछ दिया है, तो अब आप आजाद हैं। तो अब बस समझ लीजिए कि भभूति जी जैसे ही या उनसे बेहतर चेहरे आपके इर्द गिर्द हों तो आप अपनी नजरें इनायत कर सकती हैं। तो तिवारी जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको विभू को समझाना चाहिए, आप उल्टा उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। नहीं नहीं भाभी जी, वो देखिए क्या है, भाभी जी इतिहास गवाह है कि कोई भी किसी के समझाने से नहीं समझा है, तो भभूति जी क्या समझेंगे। और लोग तो भाभी जी अपने बच्चे छोड़कर जंगलों में चले गए, और आपके तो बच्चे भी नहीं है, तो इट कैन बी वेरी इजी।